पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहाँ का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पर क्वालिटी टाइम बिता सकते। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। जिंदा पे कोई नाम रखता है क्या, आप बताइए। एनसीपी एंड दंगा रही, तो एनसीपी कैसे लगाएगी? तो आपको एनसीपी से इतराज क्यों है यार? ये लोग रख रहे, तो ये नाम क्यों रख रहे? जितेंद्र अवार्ड नाम लोकनायक है, कोई फ्रीडम फाइटर है क्या? तो थाना महानगर पालिका के बजट के ऊपर नगर सेवक जो होता उनका चलता है, आमदार का क्यों चलेगा इसके ऊपर? इसकी मांग में और इस रोड की मांग में हम जो कर रहे हैं थाना महानगर पालिका से कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो अपना नाम? यहाँ पे नीचे आमदार जितेंद्र अवार्ड रखने की जरूरत क्या है? मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के एमएम वली रोड पर। आपको बता दें कि एमएम वली रोड का काम जब से लगभग पूरा हुआ है, उसके बाद से ही इस रोड के नाम रखने को लेकर जो है कवायद शुरू हो गया। हालांकि आपको बता दें कि पहले यहां पर जो है लोक नायक मार्ग करके बोर्ड लगाया गया था, और उसके बाद जो है एमआईएम पार्टी के जो पूर्व नगर सेवक है शाह आलम, उन्होंने वीर अब्दुल हमीद नाम रखने की इसकी मांग की, थाने महानगर पालिका में लेटर भी दिया। हालांकि इसके बाद जो है थाने महानगर पालिका ने जो लोक नायक बोर्ड यहां पर लगा था उसे उस पर कार्रवाई करके महानगर पालिका उठा ले गई, और उसके कुछ ही दिन के बाद जो है यहाँ पर भारत वीर अब्दुल हमीद मार्ग जो कर नाम लिखकर और आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड नीचे लिखा हुआ ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया। आपको बता दें कि इस नाम को लेकर बीजेपी पार्टी के लोग भी सामने आए, जिन्होंने थाने महानगर पालिका को लेटर दिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रखने की जो मांग की। लेकिन जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जो ये बोर्ड लगा हुआ है भारत वीर अब्दुल हमीद मार्ग लिखा हुआ जिस पर, और नीचे यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र अवार्ड उनका नाम लिखा हुआ है, कल इस पर जो है थाने महानगर पालिका ने इसे कार्रवाई की और इस बोर्ड को जो है कार्रवाई करके उठाकर लेकर चली गई। हालांकि उसके बाद जो है एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए और जहाँ कार्रवाई करके ये बोर्ड लेकर मनपा गई थी वहाँ से रिटर्न ये बोर्ड उठाकर लाकर यहाँ पर जो एनसीपी के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने यहाँ पर दोबारा लगाया। यहाँ पर वीर अब्दुल हमीद नाम, यहाँ पर जो है वीर अब्दुल हमीद के जो है ज़ोरदार तरीके से एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने भी थाने महानगर पालिका में वीर अब्दुल हमीद नाम रखने की जो है मांग की है। लेकिन वहीं एमआईएम के पूर्व नगर सेवक हैं शाह आलम, इनका कहना है कि सबसे पहले जो है मांग इन्होंने की थी, तो इन्हीं से बात करते हैं। आपने लेटर भी दिया था शाह आलम भाई थाने महानगर पालिका में, और आपने मांग किया था कि भारत वीर अब्दुल हमीद मार्ग नाम इस एमएम वाली रोड का रखा जाए, तो क्या इस नाम को मंजूरी मिल गई है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। इस्लामुद्दीन भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने थाना महानगर पालिका में इस रोड की नामकरण का जो सबसे पहला लेटर मैंने दिया था, जिसकी नाम मैंने मांग की थी कि वीर अब्दुल हमीद जो भारत रत्न थे हमारे देश के शहीद, इनके नाम की मांगनी की थी, वीर अब्दुल हमीद के नाम से मांगनी की थी। और इस मांगनी के बाद ही यहाँ पे वो जो बोर्ड लगाया गया था वीर अब्दुल हमीद के नाम से, जो बोर्ड लगाया थाना महानगर पालिका ने, मेरी मांगनी के बाद ही लगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले जानकारी मिल रही है थाने महानगर पालिका ने बोर्ड नहीं लगाया, ये शायद एनसीपी की तरफ से बोर्ड लगाया गया ऐसा जानकारी आ रहा है। अगर एनसीपी लगा रही तो एनसीपी कैसे लगाएगी? मैं ये बोल रहा हूं, अगर थाने महानगर पालिका, सुनिए, थाने महानगर पालिका बोर्ड लगाती तो वहाँ लिखा रहता थाने महानगर पालिका, आपको कहीं दिखाई दे रहा है? यही कह रहे हैं ना कि भाई अगर प्रस्ताव हमने रखा था, अगर ये हाउस चलता तो इस नाम रखने का काम थाना महानगर पालिका में हाउस में हम करा के लाते। आज इलेक्शन हुआ नहीं कारपोरेशन ने, तो हमने कमिश्नर से मांग की थी कि इस रोड का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम से रखा जाए, तब ये नाम रखा। अगर ये लोग रख रहे हैं तो ये नाम क्यों रख रहे हैं? जितेंद्र अवार्ड नाम, वही नाम तो वो लोग भी रख रहे हैं ना, जो आपकी मांग है वही नाम वो लोग भी रख रहे हैं। पहले तो इन लोगों ने क्या रखा था, आपने भी सवाल उठाया था, इससे पहले क्या नाम था?
लोकनायक लोकनायक कौन था? लोकनायक है कौन? कोई फ्रीडम फाइटर है क्या? और मैं जिस नाम को रखने की मांग करता हूं, जो जनता के हीरो हैं, जनता के हीरो ये हैं, भी हो सकते हैं, ये जनता जो के जनता हीरो के लिए अच्छे काम करते हैं, उन्हीं को लोकनायक कहा जाता है। ये देश के हीरो हैं, वीर अब्दुल हमीद जो थे ये देश के हीरो थे। जब जंग हुई थी पाकिस्तान से, किसी और मुल्क से नहीं थी, एक पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क से जंग हुई और एक मुसलमान फाइटर ने ये जंग लड़ा था, जिसने 5 से 6 तोप उड़ाया था, तब हमारी फौज अंदर गई थी। ये हीरो है असली देश के। और जो हीरो की बात तो कर रहे हैं, आपको आपको एनसीपी से एतराज क्यों है? अगर आपको आपकी भी मांग जो नाम की है वीर अब्दुल हमीद की, उन्होंने भी वही लगाया है, तो आपको एतराज किसके बजट का बना है? किसके रोड का बजट है ये? किसका है ये? थाना महानगर, थाना महानगर पालिका का। तो थाना महानगर पालिका के बजट के ऊपर नगर सेवक जो होते हैं, जो ट्रस्टी होते उनका चलता है, आमदार का क्यों चलेगा इसके ऊपर? आप बताओ ना, बाकी जिस जगह करते हमने कभी विरोध किया क्या? इस रोड की नाम, इसकी मांगनी और इस रोड की मांगनी हम जो कर रहे हैं थाना महानगर पालिका से कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो अपना नाम? तो आपको क्या चीज एतराज, क्या चीज से आप खुलकर बोलिए? मैं ये बोल रहा हूँ कि वीर अब्दुल हमीद मार्ग लिख दीजिए थाना महानगर पालिका, खलास। यहाँ पे नीचे आमदार जितेंद्र रावत रखने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत आप बताओ? अगर इधर नीचे नाम रखने की जरूरत है तो मैंने बताया ना कि ये वार्ड 2 बॉर्डर है। इस वार्ड में राजन किनी साहब रहते, ये भी 25 साल से नगर सेवक है। इस वार्ड के अंदर जफर नुमानी, सिराज डोंगरे, हफीजा नायक रहती। मैं आपको बताऊं, जब इस रोड की मैंने मांग नहीं किया था, मुमरा शहर के जो हमारे सेकुलर कारपोरेटर है ना, राजन किनी साहब, सैयद अली साहब और अपना मोतीराम भगत, विशु भगत, सब ने इस नाम को पसंद किया कि नहीं अच्छा नाम हमारे शहर में, ये नाम इस रोड का नाम रखा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम को रखा जाए, कौन सी में बुराई है? ये हीरो है देश के, ये देश के हीरो हैं। वो लेकिन मनपा कार्रवाई करके कल ले गई थी, आपको मालूम पड़ा? ये कल ले गई थी, एनसीपी के कार्यकर्ता गए, उसको दोबारा लेकर आए, यहाँ पर लगाया गया। मैं ये कहता हूँ, अगर ये रोड है, ये सब बजट आमदार की नीति के रहते तो मनपा कार्रवाई करती क्या? इस पे मनपा करती क्या कार्रवाई? नहीं करती ना। वही बात है कि ये थाना महानगर पालिका की ये प्रॉपर्टी बनाई हुई है और इस रोड का जो मांग है शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम पे रखा जाए, यही हमारी मांग है। और यही अच्छा, ऐसी भी जानकारी आ रही है, मुमरा कौसा के बीजेपी मंडल अध्यक्ष है कुणाल पाटिल, उन्होंने भी जो है निरंजन डावखरे जो विधायक है उनके साथ मनपा कमिश्नर को लेटर वगैरह दिया है कि जो है एम एम वाली जो रास्ता है इसका नाम शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रखने की मांग की है। देखिए ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे, ठीक है, इस नाम को हम इसलिए रख रहे कि मुमरा जो शहर है मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों की 15 लाख की आबादी है, तो हमने ये चाहा कि हमारे कौम या हमारे आले वाले नस्ल उसको मालूम रहे कि हमारे कौम से एक हमारे देश का हीरो था वीर अब्दुल हमीद, जो नाम रखा जाएगा तो उससे हमारा इतिहास याद रहेगा, मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है। अगर उन्होंने बीजेपी की तरफ से अगर मांग की गई है बाबा साहब अम्बेडकर की, तो उस पर भी एतराज नहीं होना चाहिए किसी। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा विरोध नहीं है देश के फ्रीडम के, लेकिन ये जो इलाका, मैं क्या बोल रहा हूँ, दीवा में या कलवा में, दीवा में, डोंबोली में, इस नाम को कोई नगर सेवक, कोई आमदार मांगनी करेगा क्या? आप बताइए। यानी कि जो मुमरा मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इसी वजह से जो फ्रीडम फाइटर है उनका नाम रखने के लिए मांगनी जो है की हमारी, तो यही मांगनी है, इसी नाम की मांगनी है और यही मांग हम चाहते हैं कि यही नाम आधिकारिक तौर पर भी यही नाम है, आधिकारिक तौर से यही रोड का नाम होना चाहिए वीर अब्दुल हमीद मार्ग के नाम से, नीचे थाना महानगर पालिका खलास। यानी जो विधायक का नाम लिखा है उस पर भी एतराज है? अरे देखो आदमी वो यहाँ के विधायक हैं, एतराज तो नहीं होना चाहिए आपको? बोल रहे कि हमारे विधायक नहीं, वो हम भी तो उनको एक्सेप्ट करते ना कि हमारे आमदार है हमारे शहर के वो, लेकिन देखो नामकरण कब किया जाता है इस देश के अंदर? जब कोई शहीद हो जाता है या जब जिसने बहुत काम किए शहर के लिए उसके मरने के बाद उसका नाम रखा था। तो अगर उस तरीके के हालात होते और कोई पार्टी का इनके चाहे एनसीपी के या जो भी रहता और आमदार जितेंद्र अवार्ड के नाम से रखा जाता उस वक्त कोई चीज़ का, तो उसमें हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन आज तो आमदार साहब भी है ना, तो ऐसा नहीं होता, जिंदा पे कोई नाम रखता है क्या? आप बताइए, देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री
जिन्होंने मैंने बताया कि गुजरात के अंदर लोग बड़ी बड़ी मीडिया ने इस चीज को उठाया था कि ये किस तरीके का प्रधानमंत्री है कि जो अपने जीते जी एक स्टेडियम का नाम रख रहा है, उठाया था कि नहीं। आप लोग भी पत्रकार, आप लोग भी देखे होंगे उस वक्त की वो न्यूज, बहुत न्यूज चली थी, तो आज ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? लेकिन वो तो अपना नाम थोड़ी दिए, वो तो नाम जो है फ्रीडम फाइटर के दिए, तो फ्रीडम फाइटर फ्रीडम फाइटर का नाम दे के थाना महानगर पालिका मुमरा कलवा लिख दीजिए, खलास हो गई बात। ना तो छोटे अक्षर में लिख दीजिए सबका, नगर सेवकों का नाम, अगर उनको इतना वो है तो। MIM के पूर्व नगर सेवक है शाह आलम, जो यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है भारत वीर अब्दुल हमीद मार्ग, और उसके नीचे जो कलवा मुमरा के विधायक है जितेंद्र आभाट, उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और यही नाम को लेकर जो है MIM पार्टी के पूर्व नगर सेवक एतराज़ जता रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जो विधायक का नाम लिखा है वो हटाकर वहाँ पर थाने महानगर पालिका लिखना चाहिए। हालांकि अभी तक जो हमें जानकारी है उस हिसाब से अभी तक इस रोड के नाम का कोई आधिकारिक तौर पर नाम नहीं रखा गया है, लेकिन जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूर्व नगर सेवक जो MIM पार्टी के उनके तरफ से और NCP के तरफ से भी जो है मांग की गई है कि जो फ्रीडम फाइटर हैं वीर भारत वीर अब्दुल हमीद, इन्हीं का नाम ये रोड का जो है रखा जाए।